आप भले ही ये दावा करते हैं कि आप उसके पति हैं, लेकिन वो कह रही है कि उसे एक पत्नी की तरह नहीं रखा गया। अब उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया है, वो भारत में ही रहना चाहती है। क्या पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहीं कोई उम्मीद है कि आपको इसमें मदद मिल रही है, कोई कदम आप इसको लेकर के उठा रहे हैं? जरूर मदद मिलेगी और सीमा पाकिस्तान आएगा, उसको बुलाए जाएंगे जरूर। पाकिस्तान ये सीमा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। और ये जो कह रहा था कि सीमा ना हैदर मुझे अच्छे से नहीं रख रहा था, कैसे अच्छे से नहीं रख रहा था? उस बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी के लिए तो मैं सऊदी अरब आया था। आप थोड़ा सा जानकारी ले और अच्छी तरीके से आगे पेश करे, ताकि ट्रोड मोड़ करके मीडिया वाले भाई जो आगे लेके जाते हैं बात हमारा से पूछता नहीं है। आप हैदर सीमा से पूछ सकते हैं ना कि किस लिए है आपने अच्छी तरीके से हैदर ने नहीं रखा? हैदर बच्चों के लिए सऊदी गया था, आपने फैसला किया था कि वो अच्छा पास अच्छा सीखा सके। ये तो आपका अपना दावा हुआ, सीमा जो कह रही है उनकी बात हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तान की पूरी आवाम सुन रही है। इसमें मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सीमा बार बार ये आरोप लगा रही है कि बच्चों का मुस्तकबिल उसका पाकिस्तान में नहीं है, उनके घर में वहाँ किसी की भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, ये बड़ा सवाल कर रही थी। और इसीलिए उसने देखा कि उसका मुस्तकबिल अब यहाँ हिंदुस्तान में है, सचिन के पास है, और इसलिए उसने ये फैसला किया, ये सीमा का कहना है। नहीं, बच्चे कराची पे बच्चे जो है शहनाज पब्लिक में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। सीमा कैसे कह रहे कि बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है? सबल पासपोर्ट है, मैं उनका बाप हूँ, मैं चीखता हूँ चिल्लाता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ आप भाई बहनों से, सीमा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान है, बच्चों का असली वारिस हूँ मैं। सीमा के कहने पे कुछ नहीं होगा, जितना सीमा का हक है उससे ज्यादा मेरा हक है बच्चों के साथ। लेकिन गुलाम हैदर, जितनी बात आप कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि उसके उलट सीमा हैदर दावा कर रही हैं? आपकी बातों को वो नकारती हैं, इनकार करती हैं, वो कहती हैं कि गुलाम हैदर सच नहीं कह रहे हैं। सर सच कैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं जीता जागता सबूत हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे अपना जो है ना तस्दीक करवाया कि असल क्या है, माजरा क्या है कि मैंने नेता नाम से लेकर शादी मुतलक तक स्कूल तक बच्चों का जो भी है। तो एक एपीसी बोल रहा है कि हैदर ने 4 सालों से सीमा को छोड़ा हुआ था। आप मेरी बात गौर से सुने, अगर 4 सालों से मैं तलाक देता अपनी घरवाली को तो अपने माँ बाप के घर पे रहता ना। हमारे कबीले में ऐसा है तो तलाक देता है तो वो अपने माँ बाप के घर पे चला जाता, ये मेरे घर पे क्या कर रहा था? अब ये इस पर तो सीमा हैदर लगातार ये बात कहती रही है कि उसे अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी करके फैसले लेने का पूरा हक है, और उसके मुताबिक ही उसने ये फैसला किया कि अब उसे भारत में सचिन के साथ रहना है, इसी में बच्चों की भलाई है, उनकी अपनी जिंदगी की भलाई। लेकिन एक बड़ी बात ये गुलाम हैदर कि सीमा हैदर का पासपोर्ट पता चलता है कि 8 तारीख को तैयार होता है, 10 तारीख को वीज़ा लेकर टिकट लेकर के वो पाकिस्तान से बाहर भी चली आती है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी तैयारी पहले से सीमा की रही होगी? देखो ना, इस वजह से बातों से लग रहा है इसका बहुत पुराना प्लानिंग है, ऐसे नहीं है कुछ 5-10 दिन में या 2 माह में इसने काम किया, ये तो बिल्कुल एक पूरा प्लानिंग के साथ आया। बोलते सज्जन जो भी काम किया सज्जन ने पूरा मुलविज है, एक क्रिमिनल को एक गैर तरीके से मेरा घर भिजवा के मेरे बच्चों को लेकर आना, भारत में दाखिल करना, उसको तरीके रास्ता बताना, उनको आधार कार्ड मना हिंदुस्तान का आधार कार्ड दिलवाना, उनको रास्ता बताना, क्या सज्जन मुलविज नहीं है? सज्जन का बाप मुलविज नहीं है? इनको हुकूमत बख्शा जाएगा, ये भी जेल में जाएंगे। एक औरत को पाकिस्तानी को इन्होंने पैसा लेके सिर्फ पैसों की हवस के लिए इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। सज्जन को तो पैसा चाहिए था, मेरा घर जो 20 लाख का सीमा ने बेचा, 4 तोला जेवर लेकर आया, 3 लाख रकम मैंने दिया, इन्होंने सिर्फ पैसा देखा, मेरा घर बर्बाद किया सज्जन ने, सज्जन के बाप ने, सज्जन के रिश्तेदारों ने। लेकिन ये जो एक आपका गुस्सा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ उनके लिए बच्चों के लिए कर रहे थे, इसके बावजूद उसे छोड़कर वो भारत चले आई, ऐसी क्या वजह होगी? यही तो वजह हैरान वाली बात है, सब कुछ था, सीमा बोलता है सीमा आजाद था, अकेले में रह रहा था, सुकून से जी रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं था, कोई मारपीट नहीं था, फिर भी ये आया तो ये हैरान करने वाली बात है। इसका मकसद क्या है, ये किस लिए आया भारत में, इसका आगे का प्लान क्या है, ये तो सरकार जांच चल रहे तमाम। गुलाम हैदर, आप भी पाकिस्तान में उनके साथ पिछले कई वक्त से काम के सिलसिले में साथ नहीं रह पा रहे थे, दुबई में आपको रहना पड़ता था, ऐसे में
डाउट ये रहा कि क्या ये आईएसआई के एजेंट हो सकती है, इसे लेकर तफ्तीश हुई, लेकिन सीमा के भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, ये बात आपको पता है? क्या भाई आर्मी में, चाचू बड़े अफसर है आर्मी में, इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में, जो बड़े ओहदों पे रहते हैं, ये अपने चाचू के घर पे 15 दिन मलिर कैंट कराची में जाता था, 10 से 15 दिन वो आता था जाता था, इनके बच्चे आना जाना चाचू के साथ लगाव ज्यादा थी। लेकिन गुलाम जिस तरीके से आपकी जानकारी है, मालूमात है, क्यों ऐसा? मैं एक आप भाई बहनों से सवाल कर रहा हूँ। जी जी, एक क्लिप मैंने देखा, एपी सिंह जबरदस्ती बच्चों को नारे लगवा रहे, बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं। मैं एपी सिंह को कहना चाहता हूँ, आप एक गलत हो सकते हो, एक सीमा गलत हो सकता है, एक शायद मैं गलत हो सकता हूँ। ये एक इंतजार फैला रहा है हिंदू और मुस्लिम भाइयों में, ये जो है ना, ये लड़ाई झगड़ा पैदा कर चाहता है। मैं एपी को बोलता हूँ, अपने को पॉपुलर करने के लिए पराए मेहरबान, आप झगड़ा नहीं चाहते, मगर एपी सिंह का कहना मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए और हिंदुस्तान में भी हिंदू और मुस्लिम का ये फसाद करवाना चाहते हैं। एपी सिंह को बोलता हूँ, आप इन्हों ना हरकत ना करो, आप हमें तमाम लोग मुझे सुन भी रहे हैं, इस धर्म के बारे में गलत कहना ये तो बिल्कुल गलत बात है ना सर। एपी सिंह को किसने हक दिया बोलते हैं पाकिस्तान पर? हाँ हमें तकलीफ हुआ, एपी सिंह एक जो है ना एक बिल्कुल एक बेगरत इंसान है, इस पे हम शैतान किस्म का आदमी है, इसको नहीं करना चाहिए, मेंटल है इनके, देखो ना ये बाद में हमारे को लड़वाना चाह रहा है, हमें मजबूर कर रहा है एपी सिंह। एपी सिंह को तमाम मैं भाई बहन को गुजारिश कर रहा हूँ, एक मेंटल बंद है, आप इनको समझाइए, इनके अगर घर वाले मुझे सुन रहे हैं, इनके भाई हैं, बहन है, की बहू है, की वाइफ है, तो ये एक मेंटल है, इनको बांधा जाए, इनको जल्दी लोगों के साथ जकड़ो, ये हम हिंदू मुस्लिम में ये फसाद फैलाना चाहता है, ये एपी सिंह आपको पॉपुलर कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो उनका उनका क्या कहना है, क्योंकि उस पर जिस तरीके का डाउट जाहिर किया गया है, जिसे लेकर तफ्तीश भी हुई। आने वाले नस्लों को कौन सा मैसेज दे रहा है मेरे भाई, जो आने वाले नस्ल है, फ्यूचर है, जो आने वाले लोगों को, एपी सिंह जो कह रहा है की मैं एक लोअर हूँ, लोअर का यही है, ये हैसियत है, लोअर ऐसे होते, ये लोअरों के नाम पे एक डब्बा है, डब्बा ये लोअर नहीं है, ये लोअर का काबिल नहीं है।